जो आज के डेट में गरीब किसान मजदूर परेशान है, और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चला के 2022 में परिवर्तन जरूर लाएंगे कि 2022 में जब सरकार बनेगी तो फिर से हम सभी लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेंगी, शिक्षा मिलेगा और रोजी रोजगार भी मिलेगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंचेगी 12 नवंबर को देवरिया। 2022 विधानसभा चुनाव की सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जान। समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पार्टी की मजबूती व विधानसभा 2022 को लेकर रथ यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जान फूकने व उनका मनोबल बढ़ाने को लेकर प्रदेश में भ्रमण पर निकलेंगे। देवरिया जनपद में भी उनकी रथ यात्रा पहुंचेगी व बरहज विधानसभा में पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरेंद्र प्रताप यादव के पक्ष में जनता को संबोधित करेंगे। इस संबंध में बरहज विधानसभा से दावेदार गिरेंद्र प्रताप यादव ने बताया कि 12 नवंबर को हमारे नेता व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंचेगी, जहां देवरिया मुख्यालय पर उनका भव्य स्वागत होगा। इसके बाद बरहज विधानसभा के भलुहनी विकास खंड के करमटार शेरखा में स्थित यशवंत शिक्षण संस्थान में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करेंगे। शिवपाल यादव ने बताया कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत मथुरा से होगी और प्रदेश के जनपदों में यात्रा होते हुए देवरिया पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा भाजपा सरकार को हिलाकर रख देगी। भाजपा ने किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों को ठगने का कार्य किया है। विधानसभा 2022 में इस यात्रा के माध्यम से हम भाजपा सरकार की चूल्हे हिलाते हुए अपनी सरकार बनाने में अवश्य सफल होंगे। गिरिंदर जी, 12 तारीख को जो है आपके मुखिया शिवपाल जी आ रहे हैं, किस तरह कार्यक्रम है और क्या संदेश देंगे क्षेत्र को जो है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी 12 अक्टूबर को मथुरा के भगवान कृष्ण के धरती से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर चले और वह रथ यात्रा 12 नवंबर को देवरिया जिला में प्रवेश करेगा। और हम सभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के स्वागत में जी जान से हम लोग लगे हुए हैं। और यह कार्यक्रम यशवंत शिक्षण संस्थान करमटार शेरखा भलोनी ब्लॉक में सुनिश्चित है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है, जो आज के डेट में गरीब किसान मजदूर परेशान है और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चला के 2022 में परिवर्तन जरूर लाएंगे। भाजपा बड़ी मजबूती से लड़ रही है और सारे दल आपके मतलब कुछ गठबंधन भी हैं सपा से, और ये भी हो रहा है कि आपके शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हो रहे हैं, तो किस तरीके से आपको लग रहा है लड़ाई आप इसको जो है निकाल पाएंगे? देखिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है, अभी ये दीपावली में जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के भतीजे श्री अखिलेश यादव जी अपने मुख से बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी का सम्मान रहेगा, हमारे पिता तुल्य हैं, तो हमको ये लग रहा है कि पारिवारिक मामला है, हम लोगों के नेता हैं दोनों लोग, और 22 नवंबर को बहुत बढ़िया हम लोग को एक मीठा भी मिलेगा और आशीर्वाद भी मिलेगा कि माननीय शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव जी एक हो जाएंगे। आप जमीन से जुड़े हुए एक नेता हैं और आपके पास अपार जन समूह है, लगभग कितने लोग इस रथ यात्रा का स्वागत करेंगे? इसमें इस रथ यात्रा में हमारे बरहज विधानसभा में जन जन में बहुत बड़ी खुशी है कि जो धरती पुत्र माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इस देवरिया धरती पे आए हैं और हमेशा जन कल्याण का कार्य किए हैं, सड़क से लेकर पुल तक सारे कार्य किए हैं, तो जब यहाँ नेता आएंगे तो लाखों की संख्या में यहाँ से लोग उनके स्वागत में खड़े रहेंगे। और एक बहुत बड़ी उम्मीद है, गरीब किसान मजदूर जितने भी जनमानस लोग हैं उनकी एक उम्मीद है कि 2022 में जब सरकार बनेगी तो फिर से हम सभी लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिलेंगी, शिक्षा मिलेगा और रोजी रोजगार भी मिलेगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से बस यही निवेदन करेंगे और अपील भी करना चाहेंगे कि 2022 में सरकार बनाइए, निश्चित रूप से सबका विकास होगा।